वेलकम टू आवर चैनल जेनी ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विनका एल्केलोइड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने विनका एल्केलोइड के अलावा जो दूसरे वीडियो बना रखे हैं, जो इंडोल डेरिवेटिव है, इंडोल डेरिवेटिव के अंदर जितने सारे एल्केलोइड है उनके बारे में डिस्कस कर रखा है। तो आज हम मेनली विनका एल्केलोइड्स के बारे में डिस्कस करने वाले। जो विनका एल्केलोइड है वो इंडोल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स हैं, फर्स्ट है सिनोनिम्स, उसके अंदर कैथेरेंथस, पेरीविंकल, सदाबहार एंड बारामासी। तो अब इसको जो है अपन सदाबहार या बारामासी क्यों कहते हैं, इसका सिनोनिम्स यही क्यों है? तो जो जनरली अपन देखते हैं कि सभी के घरों में जो विनका प्लांट है वो देखने को मिल जाता है, और उसके अंदर जो है पूरे ईयर फ्लावरिंग होती रहती है, पूरे ईयर में जो फ्लावर है आते रहते हैं, इसलिए उसको सदाबहार या फिर बारामासी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, सेकेंड बायोलॉजिकल सोर्स, यानी ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो जो मेनली विनका का प्लांट है उसकी जो लीव्स होती हैं उसके अंदर जो विनका एल्केलोइड प्रेजेंट होते हैं, ड्राइड लीव्स ऑफ कैथेरेंथस रोजियस, यानी कैथेरेंथस रोजियस जो प्लांट हैं उसकी ड्राइड लीव्स से प्रोड्यूस होते हैं, अपन कलेक्ट करते हैं उस। ये अब ये किस फैमिली से बिलोंग करता है विनका एल्केलोइड? तो फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और अब थर्ड है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मोर देन 400 अल्केलोइड्स, यानी विनका प्लांट के अंदर मोर देन 400 अल्केलोइड प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? फर्स्ट है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विंडेसिन, विंडेलिन। ये जो मेन इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विंडेसिन, विंडेलिन। उसके बाद जो विनका प्लांट की रूट्स है, इन रूट्स उसके अंदर भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक अजमेलिन, विनेसिन, विनेसिमाइन, सॉरी विनेमाइन, रेसिरबिन, ऑल्सो कंटेंट कैथेरेंथिन, सपोनिन, कार्बोहाइड्रेट। यानी जो विनका प्लांट की रूट्स होती है उसके अंदर भी अजमेलिन, विनेसिन, विनेमाइन, रेजिरपिन एंड ऑल्सो कंटेन कैथेरेंथिन, सपोनिन एंड कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन लोअर पार्ट ऑफ कैथेरेंथस, जो विनका प्लांट का लोअर पार्ट होता है कैथेरेंथस का, उसके अंदर रोजेंडिन प्रेजेंट, रोजेंडिन प्रेजेंट होता है। अब रोजेंडिन क्या है यहाँ पे? रोजेंडिन प्रेजेंट विच इज़ एंथोसिनिन पिगमेंट, यानी ये एंथोसिनिन पिगमेंट होता है रोजेंडिन, जो कैथेरेंथिन कैथेरेंथस के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद फोर्थ आता है यूजेस, यानी जो विनका एल्केलोइड्स हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इनका जो यूज़ होता है, एक तो होता है एंटी कैंसर, एज अ एंटी कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर इसका यूज़ होता है। और इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं? फर्स्ट है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ये जो दो एल्केलोइड है, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर इनका जो है यूज़ होता है। देन नेक्स्ट है हॉडकिंस डिजीज़, हॉडकिंस डिजीज़ के अंदर विनब्लास्टिन यूज़ होता है मेनली। उसके बाद है ब्रेस्ट एंड स्किन कैंसर, तो जो ब्रेस्ट कैंसर है, स्किन कैंसर है, उसके अंदर भी विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और विनका एल्केलोइड्स यूज़ होते हैं। उसके बाद लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के अंदर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन एंड एंटी डायबिटिक एजेंट, तो विनका एल्केलोइड एज अ हाइपरटेंशन एंड एंटी डायबिटिक एजेंट की तरह भी वर्क करते हैं, यूज़ होते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट, एस्ट्रिंजेंट एंड डाययूरेटिक के अंदर भी यूज़ होता है। तो मैं सिंपली आपको पता होगा एक्सपेक्टोरेंट, एस्ट्रिंजेंट एंड डाययूरेटिक का मतलब, एक्सपेक्टोरेंट यानी जो कफ प्रिपरेशन होती है उसके अंदर, एस्ट्रिंजेंट यानी जो स्किन के अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, और डाययूरेटिक यानी जो यूरिन की प्रोसेस जो होती है उसको फास्ट कर देता है, यूरिनेशन को बढ़ा देता है। उसके बाद आता है यूजेज, और यूज़ मैंने बता दिया है। और अब बात करते हैं डोज़ की, तो जो विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन है उसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो विन
क्रिस्टीन सल्फेट की जो डोज है वो है 10 to 30 माइक्रोग्राम, 10 to 30 माइक्रोग्राम पर बॉडी वेट होती है। और इसकी जो लिमिट है कि इससे ज़्यादा डोज अपन नहीं दे सकते वो है 2 mg, 2 माइक्रोग्राम से ज़्यादा डोज नहीं दे सकते हैं, ये इसकी लिमिट है। और विनक्रिस्टीन सल्फेट या फिर विनब्लास्टिन सल्फेट जो है उसको अपन इंट्रावेनसली देते हैं, ठीक है। और जो विनब्लास्टिन सल्फेट की डोज है वो है 100 माइक्रोग्राम पर बॉडी वेट, ये इसकी डोज है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ विनब्लास्टिन, जो विनब्लास्टिन है उसकी एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन प्रोसेस क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे जो विन विनका एल्केलोइड के अंदर जो उसका एक्सट्रैक्शन है विन ब्लास्टिन का एक्सट्रैक्शन मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट स्टेप है द ड्राइड लीव्स ऑफ विनका प्लांट, यानी जो विनका प्लांट की ड्राइड लीव्स हैं उनको कलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्सट्रैक्शन विद अ सॉल्यूशन ऑफ हॉट इथेनॉल एसिटिक एसिड एंड वाटर। तो सबसे पहले क्या करना है, इथेनॉल एसिटिक एसिड एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाना है। इथेनॉल लेना है 9 ml, एसिटिक एसिड 1 ml, वाटर 1 ml, यानी ये रेशियो होना चाहिए 9:1:1। इन तीनों का सॉल्यूशन बना के उसके साथ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है रिमूव द सॉल्वेंट एंड, यानी जो अपन ने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की थी उसके अंदर से सॉल्वेंट को रिमूव करना है, रिमूव द सॉल्वेंट एंड टू द रेसिड्यू। जब सॉल्वेंट रिमूव कर देंगे तो पीछे रेसिड्यू बचेगा, तो उस रेसिड्यू के अंदर एड 2% ऑफ हॉट HCl, 2% हॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है रेसिड्यू के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है एडजस्ट pH ऑफ एसिडिक एक्सट्रैक्ट टू 4, यानी जब रेसिड्यू के अंदर 2% हॉट HCl मिला देते हैं उसके बाद ये जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी जो pH है वो 4 तक करनी है, उसकी pH 4 तक करनी है। अब ये अपन pH 4 क्यों करते हैं, टू प्रेसिपिटेट नॉन एल्केलॉइड, यानी जो सॉल्यूशन के अंदर नॉन एल्केलॉइड्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन या इसकी जो pH 4 करने के बाद सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, pH मेंटेन करने के बाद जो सॉल्यूशन होता है उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करना है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, द pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज नाउ एडजस्टेड 7। सबसे पहले अपन ने pH 4 तक एडजस्ट किया था, उसके बाद फिल्टर किया, उसके बाद वापस उसकी pH जो है एसिडिक सॉल्यूशन की pH 7 तक एडजस्ट करनी है। देन एक्सट्रैक्ट विथ बेंजीन, बेंजीन के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करना है, बेंजीन जो यहाँ पे उसके साथ एक्सट्रैक्ट करना है। अब बेंजीन के साथ अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करना है, बेंजीन लेयर इज़ इवापोरेट टू ऑब्टेन विनब्लास्टिन एंड अदर एल्केलॉइड। जब अपन बेंजीन लेयर को इवापोरेट कर देते हैं तो पीछे विनब्लास्टिन और कुछ अदर एल्केलॉइड्स अपने को ऑब्टेन होते हैं। तो यह है सिंपल एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ विनब्लास्टिन। अब उसके बाद जो अपन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं विनब्लास्टिन की, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑफ विनब्लास्टिन वो कैसे करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, तो TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑफ विनब्लास्टिन जब अपन करते हैं तो कैसे करते हैं और उसके अंदर कौन सा सॉल्वेंट यूज़ होते हैं और डिटेक्टिंग एजेंट कौन सा यूज़ होता है, तो विनक्रिस्टीन डिजॉल्व इन मेथेनॉल सॉल्यूशन, जो विनक्रिस्टीन है या जो विनब्लास्टिन है उसको मेथेनॉल के सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व करना है। और उसके अंदर सॉल्वेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, एसीटोनाइट्राइल एंड बेंजीन। तो एसीटोनाइट्राइल का जो रेशियो होगा वो 30 एंड बेंजीन का 70, ठीक है, 30 ml एसीटोनाइट्राइल एंड बेंजीन लेना है 70 ml, ठीक है। अब जब TLC अपन परफॉर्म करते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाती है और यदि कलर प्रोड्यूस नहीं होता है तो उसके अंदर कौन सा डिटेक्टिंग एजेंट यूज़ करते हैं, डिटेक्टिंग एजेंट 1% सॉल्यूशन ऑफ सीरिक अमोनियम सल्फेट एंड 85% फॉस्फोरिक एसिड। जब अपन TLC परफॉर्म करते हैं और जब
वो कंप्लीट हो जाती है, और यदि अपने को अगर वहाँ पे कलर नहीं प्रोड्यूस होता है, कलर नहीं दिखता है, तो अपन डिटेक्टिंग एजेंट यूज़ करते हैं उसमें, 1% सॉल्यूशन ऑफ सीरिक अमोनियम सल्फेट एंड 85% फॉस्फोरिक एसिड, और जो उनकी RF वैल्यू आती है, रिटार्डेशन फैक्टर, वो कितना आता है, 0.39, 0.39 जो है RF वैल्यू है रिटार्डेशन फैक्टर। तो आई होप वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग, थैंक यू।